मैं सुधीर शर्मा भट्ट, एक बार और मेरा प्रणाम आप सभी लोग स्वीकार करें। मायावती ने आखिरकार अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी लंदन से आया हुआ एक 28 वर्षीय नौ युवक है, जिसकी MBA डिग्री है, मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है। आइए आपको बताते चलें कि मायावती अपने सख्त तेवर और सख्त प्रशासनिक रवैयों के कारण जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और एक बहुत ही मामूली परिवार से आई हुई नेता हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ भारत की राजनीति में उनका गहरा छाप रहा है। 2-3 दशकों तक तो उन्होंने यूपी पे एक छत्र राज किया और केंद्र के राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आपको बताते चलूं कि मायावती जी की, जिनको बहन जी हम कहते हैं, उनकी समाज में छवि ये रही है कि जो भी उनके मंत्री और विधायक थे, अगर बहन जी बोले यहाँ बैठो तो उनको जी मैडम, उठो जी मैडम, खड़ा हो जाओ जी मैम, गेट आउट जी बहन जी, ऐसे उनका एक इमेज था कि वह अपने मंत्री, विधायक और आसपास बड़े अधिकारियों को भी अपने शर्तों पे काम करवाने के लिए जानी जाती हैं। एक लंबे समय तक राजनीतिक पारी खेलने के बाद उम्र बढ़ती गई और राजनीति में उनका वर्चस्व भी कम होता गया और सपा भाजपा उनके जगह पे उभरना चालू कर दी। इसके पीछे कई पॉलिटिकल रीजन रहे, हम आगे उसकी जिक्र करेंगे। फिलहाल आज हम एक 28 वर्षीय का नौयुवक, जो अब बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी हो गया है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ के पूरे भारत में अब वही सुप्रीम लीडर है। आइए आपको बताते चलें कि काफ़ी दिनों से बहुजन समाज पार्टी 1984 में गठित हुई है, उसके बाद कांसी राम जी रहे, मायावती जी के आने के बाद 67 साल की उम्र में मायावती जी ने अपना कदम रख दिया है। अब उनको लगने लगा है कि मैं ना अधिक दौड़ सकती हूँ और ना अपने जमीन जो खोई हूँ मैं वो दोबारा पा सकती हूँ, तो उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी को ढूंढने की ज़रूरत समझी। उत्तराधिकारी भी ऐसे समय ढूंढा गया है जब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है। आपको बताते चलें, पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था, बहुजन समाज पार्टी और सपा का गठबंधन था। इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सहयोग से मायावती ने 10 विधायक को अपने हाथ में ले लिया। 2022 के विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव में मायावती अपने सबसे निचले पायदान पर चली गईं और एक विधायक जो बलिया का रसड़ा से विधायक हैं उमा शंकर सिंह, जिनकी अपनी एक जमीन है, राजनीतिक जमीन है, उसके बल पे उन्होंने उस सीट को बचा ले गए और बसपा की एक विधायक से ही संतोष करना पड़ा 2022 विधानसभा चुनाव में। मायावती का अपना एक अलग वोट बैंक है, अपना एक कोर बैंक उनका था, जो हमेशा सवर्णों का विरोध के बल पे इस पार्टी का गठन हुआ था। जब माता बहन जी को जब ताज पहनाया गया तो उस वक्त उनकी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन राजनीति में उन्होंने बहुत ही गहराई तक समझ रखने की उनके पास वो थी। अपने राजनीतिक सूझबूझ के ही दम पे बहुत सारे पार्टियों के सहयोग लेकर वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पड़ी, जो हमारे देश के सबसे बड़ा विधानसभा है। आपको बताते चलें कि मायावती का दौर अब समाप्त हुआ है। अब उन्होंने अपना सुप्रीम का ताज अपने भतीजे आनंद भाई आनंद के बेटे अपने भतीजे आकाश, जो लंदन से MBA की डिग्री लेकर आए हैं। इनका जन्म 1995 में हुआ था, इनकी पढ़ाई लंदन में हुई है और 2017 से ये भारतीय बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के 2017 में सारे मंचों में, 2017 से जितने भी मंच पर मायावती मिली हैं वहाँ सारे मंचों पे इनकी उपस्थिति रही है। और 2019 में मायावती ने अपने सारे कैडरों को, अपने सारे पदाधिकारियों को इनसे परिचय कराया और बोला कि ये अब आपके समन्वयक रहेंगे और इनका आदेश का पालन किया जाए और इनका सम्मान पार्टी में किया जाए। 67 वर्षीय मायावती जो अपना उत्तराधिकारी बना ली, मायावती जी
ये जो कदम उठाई हैं 2024 के पहले उठाई हैं, तो इसका भी बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं। मायावती ने ये डिसीजन तब लिया है जब उनकी उम्र 67 साल है, ना वो भाग सकती हैं बहुत अधिक, ना दौड़ सकती हैं। अब मैं बताते चलूं कि मायावती जी के जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, कांसीराम जी के समय के जो कैडर थे, जिन्होंने कैडर का पाठ पढ़ाया था कांसीराम ने जिनको, वो कोई भी अब इस उनके साथ नहीं है, बचा हुआ है, ना ही कोई बड़ा नेता बचा है जो बहुजन समाज पार्टी का विस्तार करे और इसका प्रचार प्रसार करे। बहुजन समाज पार्टी दो चुनाव से तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नाम मात्र की पार्टी है जो चुनाव में खड़ा होती है और कुछ वोट काट ले जाती है अपने वोट बैंक का, जो एक फिक्स वोट बैंक है। दलित बहुजन की राजनीति करने के बल पे कांसीराम जी ने इसका गठन किया था और अपने मूल प्रस्ताव से, मूल अपने भावना से हट के जब ये पार्टी काम करने लगी बहन मायावती के शासनकाल में, तो इसका पतन चालू हो गया। पुराने नेताओं में कांसीराम जी ने जिनको कैडर का पाठ पढ़ाया, उसमें से एक सतीश चंद्र मिश्र जी हैं जो मायावती के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। पेशे से वकील हैं और मायावती जी के सारे मुकदमों को वो देखते हैं और मुकदमा देखने के एवज में वह मायावती जी को सुरक्षा, लीगल सुरक्षा देते हैं और मायावती उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये एक लेन देन का रिलेशन है और बहुत ही पुराना रिलेशन है और सतीश जी बहुजन समाज पार्टी में अपना एक स्थान रखते हैं। मायावती को, सतीश चंद्र जी को बहुजन समाज पार्टी में रखे रहना उनकी मजबूरी भी है और उनका जरूरत भी है। बहन जी के पैरोकार के नाम पे एक बहुत बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। चार बार की मुख्यमंत्री अब अपना ताज अपने भतीजे आकाश को दे दी हैं। पूरे भारत की जिम्मेदारी आकाश के कंधों पे आ गई है, सिवाय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ के। मायावती जी ने आकाश से कहा होगा कि अभी मैं थोड़ा सा काम कर सकती हूँ, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हमें रहने दो और अभी तुम देश के सारे राज्यों में सीखो, सारा तो तुम्हारा ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ना मैंने शादी किया है, ना मेरे बच्चे हैं, तो तुम्हारा ही सब कुछ है, अभी सीखो बेटा और एक दो सालों में मैं ये सारा का सारा तुम्हें ही दूंगा। खैर 28 साल की उम्र में 1995 में जन्मा आकाश अब ताज पहन चुके हैं। अभी फूल का ताज है या कांटों का ताज है, ये वो सिद्ध करेंगे अपने पौरुष और अपने पराक्रम के बल पे। पदाधिकारियों ने इनको अपना मान लिया है। मैं आपको बताते चलूं, आकाश 2019 में सपा के गठबंधन के चुनाव प्रचार के प्रभारी रहे हैं, सोशल मीडिया के प्रभारी रहे और उसमें उन्होंने 10 सीटें जीती। ये एक अच्छा उनका माना जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार को हैंडल किया होगा। 2022 में सोशल मीडिया के प्रभारी रहे लोकसभा चुनाव में और उनको एक भी सीट सिवाय उमा शंकर जी का छोड़ के, जिसका मैं अभी प्रीवियस में जिक्र कर लिया हूँ, कोई सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिला। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए पार्टी को बहुत निराशा हुई, लेकिन उमा शंकर जी के जीत होने के ये तो था कि बसपा जीरो पे नहीं रही, एक सीट तो उनको मिला ही। आपको बताते चले 1984 में BSP का गठबंधन माननीय कांसीराम जी ने दलित, शोषित और वंचित समाज के उत्थान के नाम पे किया था। उन्होंने इंद्रपुरी के झुग्गी झोपड़ी से प्रभु दयाल जी की पुत्री, जो एक सरकारी कर्मचारी थे जिनके 9 पुत्र थे, उसमें तीसरे नंबर की मायावती थी, उनको उठाकर और राजनीति के उस मुकाम पे पहुंचाया जो बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए भी सपना ही बना है आज तक। कांसी जी ने मायावती को राजनीति के सारे बड़े जगहों पे उनको प्रमोट किए और देश उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बनाने में उनकी सफलता उनको मिली। कई दलों के सहयोग से पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी। 2007 का जो चुनाव आया उसमें बहन जी का नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसके पहले कांसीराम जी के समय में नारा हुआ करता था, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। राजनीति में प्रवेश करते ही मायावती जी ने नारा फिर बदला, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4।
इनके मत का संग्रहण हुआ। लोगों को लगा कि जो मैं ठाकुर या सामंतवाद से पीड़ित रहा हूँ, अब हमें भी मौका मिला है, हमें राजनीतिक प्रश्रय मिल रहा है, मैं भी जूता मारूंगा इन लोगों को। और इसके कारण इस तरह उनका, मायावती जी का अपना एक मत संग्रहण हुआ और उसका उनको फल भी मिला। वो प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 1 बार भाजपा के सहयोग से बनी और कई बार कई दलों के सहयोग से बनी और 1 बार तो वो बहुमत के साथ भी आई सरकार में। आपको बताते चलें कि बहन जी 2007 में उनको एहसास हुआ कि सवर्णों को बिना लिए राजनीति हमारी लंबी समय तक नहीं चलेगी। फिर उनका धन बल की राजनीति चालू हुई, उनके पार्टी में प्रदेश के बाहर के बड़े बड़े रंगदार, बहुत बड़े बड़े व्यवसायी, धन पशु, ये सारे लोग अपराधी आने लगे पार्टी में। वो चाहे जिस तरीके से आते हैं, मार्केट में खबर चलता था कि पैसा लेकर मायावती टिकट बेचती थी। एक गरीब शोषित वंचितों की पार्टी में सवर्णों का कब्जा हो गया, पैसा वालों का कब्जा हो गया, धन पशुओं का कब्जा हो गया और उन लोगों का कब्जा हो गया जो पैसा दे के सीट खरीद के और विधायक और सांसद बनने का सपना पालते थे, राज्यसभा जाने के संसद सपना पालते थे। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे पर जाइए और अपने पैसे के हिसाब से सांसद, विधायक या राज्यसभा का सीट पाइए और जीत कर वहाँ आप राज सुख का आनंद लीजिए। इसी तरह मायावती जी का राजनीति चलता रहा, उनके अपने कोर वोटर खिसकने लगे, कैडर को महत्व न देना, बाहरी लोगों को प्रश्रय मिलने लगा और उनका वोट बैंक धीरे धीरे खिसक के सपा और भाजपा में आ गया। अब बहन मायावती जी को पता चला कि मेरे तो सारे वोट खिसक गए। पिछले 2 दशक से उनको 2007 के बाद 2014 में उनको मात्र 1 सांसद मिला हुआ था। इस तरह उनके इस गिरावट को देखते हुए एक बूझी हुई हाथी, बूढ़ा शेर जंगल में अकाल, ऐसा कह के जंगल में मंगल, ऐसा सोच के उनको एक थकी हारी शेरनी की तरह राजनीति में किनारे बैठना पड़ा। लेकिन अब एक नए युग की शुरुआत होगी, देखा जाएगा कि आकाश जी कैसा बहुजन समाज पार्टी में फिर गठन करते हैं, कैसे इसको खड़ा करते हैं, कैसे अपना कैडर बनाते हैं और कैसे गरीब शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई करते हैं। आपको एक बार फिर मैं बताते चलूं कि केंद्र सरकार को मायावती अब इस बातों के लिए आड़े हाथ लेती हैं कि आप 5 kg राशन देके उन लोगों को पंगू बना रहे हैं, आप उनको राशन कमाना सिखाइए ना कि फ्री बांट के खिलाना सिखाइए। अब राजनीति का पूरा ढर्रा बदल चुका है 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी जगह खोज रही है, सपा अपनी जगह खोज रही है और भी क्षेत्रीय पार्टियां अपनी जगह खोज रही है। लोगों का राजनीति सोचने का तरीका बदल चुका है, लोगों का सोच बदल चुका है और राजनीति का सोच बदल चुका है। अगर कोई पुराने ढर्रे से भ्रष्टाचार के बल पे अपराधियों के साथ अगर कोई राजनीति में आएगा तो उनका हश्र वही होगा जो अभी पिछले 2-3 चुनाव में हम लोग देख रहे हैं। इसी के साथ मैं आकाश को एक बार और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि एक पुरानी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री दिया हो उसके सुप्रीम बन गए हैं, उनके लिए मेरी ढेर सारी बधाइयाँ और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ अच्छा सोचें इसके लिए उनको तहे दिल से एक बार और बधाई। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं सुधीर शर्मा भट्ट आपके सेवा में फिर अगले ब्लॉग में आऊँगा। एक बार जाते जाते मैं आप लोगों से अपना चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाथ जोड़ के सभी लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।